पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंसलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते, इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ वाला नहीं, नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है, पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है जी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है, 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया, अरमान आपको आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, ये 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सकें, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पे आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज़ मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज़ के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी, जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई तो वहाँ से विशाल बोलने लग गया, जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है, कि एक ना नॉर्मल चीज़ है, जब हम यहाँ पे रहते हैं ना तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये एक ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो चीटिंग में, आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग में? आपको एक कॉमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ, चीटिंग इज अ चॉइस, चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता मैं, तो ये को छोड़ देता मैं, इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना, तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है, मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से, हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा जी, जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है, एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं, पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दें ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आपने जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है, आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ इस शब्द में आपसे कहना चाहती थी। साई केतन, आप बहुत